वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज में आज भी हमारे पास पांच इडियम्स एंड फ्रेजेज है। आज का पहला है एट ऑल हैजर्ड्स। इसे हैजर्ड्स पढ़ते हैं। हैजर्ड्स, हैजर्ड्स मतलब जोखिम, जोखिम चाहे खतरा। तो एट ऑल हैजर्ड्स हिंदी होगी सारी जोखिमों के बावजूद। दूसरा टर्न टेल, टर्न टेल का मतलब होगा पीठ दिखाना, और पीठ दिखाना का मतलब होता है कायरता पूर्वक भाग लेना। फिर वेट ऑन, वेट ऑन का होता है सेवा करना। और सेकेंड लास्ट होगा थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन उत्साह भंग करना। लास्ट होगा टॉक बिग, मतलब डींग हांकना। समझते हैं? देखिए एट ऑल हैजर्ड्स सभी खतरों के बावजूद, हिंदी इसका है। सभी खतरों मतलब बहुत से खतरे रहेंगे उसके भी बावजूद, कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में देखिए इसका। रीमा वेंट थ्रू, वेंट थ्रू मतलब गुजरी, रीमा गुजरी अ फॉरेस्ट एक जंगल से। एट ऑल हैजर्ड्स सभी खतरों के बावजूद, रीमा सभी खतरों के बावजूद, जोखिमों के बावजूद जंगल से गुजरी, ये यूज हुआ हमने एट ऑल हैजर्ड्स का। अब देखिए हैजर्ड्स कैसे होते हैं, जंगल का हैजर्ड्स को हम विजुलाइज करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। जंगल से जाना है, आप जानते हैं ज्योग्राफी उसका, लैंड उसका क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, रास्ता नहीं बना होता है, नीचे पैरों के पास क्रीपर्स होते हैं, बहुत से क्रीपर्स जो पैरों में उलझते रहते हैं। फिर जो झाड़ियां होती हैं, पेड़ होते हैं, उनकी टहनियां पूरी झुकी हुई होती हैं, रास्ता दिखता नहीं है। फिर नीचे पैरों के पास बिच्छू स्नेक जैसे जो ये क्रीचर्स होते हैं, सारे का सारे खतरा रहते हैं। साथ में पेड़ों से झुकी हुई डालियों पे भी अनेक कीड़े मकोड़े मकड़ियां बहुत सारी होती हैं। इसके बाद सबसे बड़ी खतरनाक जानवर होते हैं। तो कितना खतरा होता है एक जंगल में आप देख सकते हैं। तो रीमा वेंट थ्रू, गुजर गई जंगल से एट ऑल हैजर्ड्स। तो एट ऑल हैजर्ड्स का ये जंगल का जो सीन होता है, जिसको जिसकी हमने कल्पना की अभी, इस तरह से इसका मतलब को आप समझ सकते हैं कि एट ऑल हैजर्ड्स का मतलब सारी जोखिमों के बावजूद कितने कितने जोखिम होते हैं। नाउ टर्न टेल, टर्न टेल मतलब पीठ दिखाना, पीठ दिखाने का कायरता पूर्वक भाग लेना। आपने देखा है डॉग्स को, डॉग्स एक डॉग के सामने जब कोई ताकतवर डॉग आ जाता है तो जो कमजोर होता है वो अपना टेल, टेल मतलब पूंछ, टर्न कर लेता है, दबा लेता है पूंछ को। तो इसी को बोलते हैं टर्न टेल, पूंछ दबाना। और धीरे धीरे क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे भाग जाता है, चला जाता है। इसको पूंछ दबाना और निकल लेना कहते हैं पीठ दिखाना, पीठ दिखाना। और पीठ दिखाने का मतलब कायरतापूर्वक भाग लेना। अब देखिए गलवान वैली में क्या हुआ था, अभी लास्ट ईयर गलवान वैली में हुआ था, चाइनीज सोल्जर्स ने हमारे भारत देश के सोल्जर्स पे अटैक किया, उन्होंने अटैक किया, उसके बाद भी इंडिया के सोल्जर्स ने उन सबको बहुत मार मारा। कितने हमारे भी मरे, उनके भी मरे, और भी मारा तो घायल भी किया। और वो अल्टीमेटली क्या किए, टर्न टेल किए, पूछ दबाकर चले गए, पीठ दिखाकर भाग गए। तो इसी को हमने यूज किया है, चाइनीज सोल्जर्स हैव टर्न टेल इन गलवान वैली। चीनी सैनिक गलवान वैली में, जो कि लद्दाख में है, गलवान वैली में पीठ दिखाकर भाग गए हैं, भाग गए हैं। चीनी सैनिक गलवान वैली में पीठ दिखाकर भाग गए हैं। तो ये हो गया टर्न टेल का। तो पहला एट ऑल हैजर्ड्स, दूसरा टर्न टेल। नाउ वेट ऑन, वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना। जो सर्वेंट काम करता है ना मालिक के लिए, सर्वेंट मालिक के जो कार्य करता है तो उसे बोलते हैं सेवा करना। तो एसी को लिख दिया है सेंटेंस में, अ सर्वेंट ऑलवेज वेट्स ऑन हिज मास्टर, मास्टर मतलब मालिक। एक नौकर हमेशा मालिक का सेवा करता है। तो वेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, हिंदी होगी सेवा करना। नाउ थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, ठंड, थ्रो मतलब फेंकना, कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी, अपॉन मतलब किसी पर।
ठंडा पानी फेंकना, इसका मतलब क्या होता है? कब ठंडा पानी फेंकते हैं? तो किसी का जोश अधिक होता है तो फेंकते हैं। तो इसका थोड़ा निगेटिव हो गया, उत्साह भंग करना। मतलब आपको, सपोज आपको आईएएस के एग्जाम के प्रिपरेशन करने का आपको मन हो गया, जोश आ गया, फिर आपका कोई दोस्त बोलता है, अरे उस एग्जाम को करने के लिए बहुत 10 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। अब जैसे 10 घंटा 15 घंटा उसकी सुनेंगे तो उसका इस तरह से कहना क्या होगा, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का उदाहरण हो जाएगा। जबकि आईएएस बनने के लिए आपका मन और तन लगना होता है, कितना घंटा पढ़ते हैं उससे कनेक्शन कम होता है। मन हो गया तो फिर 10 घंटा क्या आप उसके आगे भी पढ़ लेते हैं, और अगर आपने सही से पढ़ाई किया है तो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ कर भी निकाल सकते हैं। एनीवेज, थ्रो कोल्ड ऑटोपन क्या हो गया, उत्साह भंग करना। तो उदाहरण बताया आपके दोस्त का। दूसरा, लॉकडाउन जो हुआ था, लॉकडाउन अभी कोरोना के वक्त, तो लॉकडाउन हैड थ्रोन कोल्ड वाटर अपॉन स्टडीज। स्टडीज मतलब पढ़ाई, अध्ययन। तो अध्ययन पर लॉकडाउन ने उत्साह भंग कर दिया। फिर से, लॉकडाउन ने उत्साह भंग कर दिया स्टडीज, पढ़ाई का, अध्ययन पर नहीं पढ़ाई का। लॉकडाउन ने पढ़ाई का उत्साह भंग कर दिया था, हैड है तो था। नाउ तो पहला हो गया एट ऑल हैजर्ड्स, दूसरा हो गया टर्न टेल, तीसरा वेट अपॉन, तीसरा थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। नाउ अब है लास्ट, दैट इज टॉक बिग। बिग मतलब बड़ा, टॉक मतलब बात करना, बड़ा बात करना। बड़ा बात कौन करता है आप समझते हैं? बात तो बड़ी नहीं होती है, वो जो बात बड़ी होती है उसे बोलते हैं डींग हांकना। डींग हांकना हिंदी का मुहावरा है, इसका मतलब आप समझते हैं, मतलब हम हैं कुछ नहीं, बोलते बहुत अधिक है, ओवर स्मार्ट लोग करते हैं ऐसा। तो टॉक बिग मतलब डींग हांकना। स्टूडेंट शुड नॉट टॉक बिग, एक विद्यार्थी को डींग नहीं हांकना चाहिए, यही यूज किया हमने। तो इडियम्स फ्रेजेज में पांचों खत्म हो गए हैं। याद रखेंगे आप, एट ऑल हैजर्ड्स मतलब सारी जोखिमों के बावजूद, दूसरा टर्न टेल पीठ दिखाना, फिर वेट ऑन सेवा करना, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन उत्साह भंग करना, टॉक बिग डींग हांकना। उत्साह भंग करना मतलब आपको डीमोटिवेट कर देना, आपको अनुत्साहित कर देना, चाहे किसी व्यवहार से चाहे किसी बात से। तो याद रखेंगे आप इन पांचों को। थैंक यू वेरी मच।